हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर के जॉब निकला हुआ है, 22 वैकेंसी है। इसके साथ साथ और भी क्या डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है उसको भी मैं यहाँ पे डिटेल्स में बता देता हूँ। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट निकला हुआ है, जिसका वैकेंसी है 22 एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे, मास्टर प्रोसेसेस और डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डायरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस और वेटरनरी साइंस और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी है तो इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन। तो ये अगर क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप इजीली एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे एज लिमिट क्या रहेगा। तो दोस्तों, मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 18 है और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 42 ईयर्स के है। उसके बाद दोस्तों, सैलरी आपको रहेगा 28,940 रुपीज़ से 78,910 रुपीज़ तक आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाएगा पर मंथ। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि द वैकेंसी आर इन आंध्र प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज एंड फूड एडमिनिस्ट्रेटिव सबऑर्डिनेट सर्विस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट अदर देन आंध्र प्रदेश शैल बी ट्रीट एज जनरल कैंडिडेट। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि अगर आप अदर स्टेट से यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे तो आप अगर SC और ST होंगे तब भी यहाँ पे आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि आप SC ST OBC जो लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे एज रिलैक्शन मिल जाएगा और कैंडिडेट सिलेक्शन जो रहेगा आपको यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी मेन रिटन एग्जाम एंड उसके बाद आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एक मेन एग्जाम होगा, उसके बाद अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपको क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन करने के लिए जो लोग जिनर OBC है उन लोगों के लिए 250 रुपीज़ आपको चार्ज देना पड़ेगा एंड जो लोग SC ST है उन लोगों के लिए 80 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ कि लास्ट डेट यहाँ पे है 28 मार्च 2019, लास्ट डेट है 28 मार्च 2019। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। इसके साथ साथ कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते, मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।